everybody, LearnX में आप सबका स्वागत है. आप हो मेरे यानी मीरा के साथ. ओके, ध्यान दीजिए, दो लोग हैं. एक का नाम है सैम और एक का नाम है टॉम. सैम कहता है, सैम मुझे रिक्वेस्ट करता है, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. और टॉम मुझे कहता है, हे मीरा, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आपको क्या लगता है, मैं किसकी रिक्वेस्ट मान लूंगी और किसका काम करूंगी? ऑफ कोर्स टॉम का, क्योंकि टॉम की रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट थी और इस तरीके से थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाई. लेकिन उसने मुझे फिर भी चॉइस दिया. कैसे? क्योंकि उसने एक ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल किया जिससे मुझे ये पता चलता है कि टॉम पोलाइट भी है और टॉम मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या नहीं. और नेचुरली हम हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट को ही मानते हैं. वेल गाइज, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत पोलाइटली किसी के सामने रख सकते हैं और किसी को आपकी रिक्वेस्ट मना करने का चांस दे ही नहीं सकते. वेल, लेट्स टेक अ लुक एट ऐसे कुछ फ्रेजेस जो आपको इस तरीके से बात करने में हेल्प करेगी. इज इट ऑल राइट इफ? इज इट ऑल राइट इफ, यानी क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये क्या ये ठीक है कि मैं, यहाँ से शुरुआत होती है इस रिक्वेस्ट की. देखते हैं पहला एग्जाम्पल. अगर आपको ठीक लगे तो, इज इट ऑल राइट इफ आई ज्वाइन यू लेटर फॉर डिनर? अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको डिनर के लिए बाद में मिल सकती हूँ या मैं बाद में ज्वाइन कर लूँ? मुझे कोई काम है, मैं अभी पहुंच नहीं पा रही हूं इसलिए. इज इट ऑल राइट इफ आई कॉल बैक लेटर? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूं. अभी एक्चुअली मीटिंग में हूं, अभी मैं एक्चुअली, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. इज इट ऑल राइट इफ आई आस्क यू टू ड्रॉप मी होम टुडे? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? आज मेरा जो ऊबर है या ओला है वो काम नहीं कर रहा है. वेल, अगर आप इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर आपका फ्रेंड आपको घर पे ड्रॉप ज़रूर कर देगा. अगला फ्रेज है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ. ग्रेटफुल यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं आभारी रहूंगा या रहूंगी अगर, अगर ये आपने मेरे लिए किया तो मैं बहुत आभारी रहूंगी. ये आप कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ख़ास तौर पे अगर कोई एक ऑफिस वाला एनवायरनमेंट है या ऑफिस का अगर कोई काम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा फ्रेज़ है फॉर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड टीच मी एनीथिंग अबाउट द गिटार. यहाँ पे कोई इंसान टैलेंटेड है गिटार को लेके, लैपटॉप को लेके, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. I would be grateful if, आभारी रहूंगी. Another example, I would be grateful if you could give me some tips on fashion. मैं आभारी रहूंगी कि अगर आप, आपका जो talent है, आपका जो knowledge है fashion के बारे में, उसके बारे में अगर आप मेरे साथ कुछ tips share कर पाएं. हो सकता है कि वो इंसान बहुत बिजी हैं और इसीलिए आपको इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है ताकि वो अपना थोड़ा सा कीमती वक्त थोड़ा सा आपके लिए फ्री कर पाए. राइट, नेक्स्ट इज, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ बाइंग अ गुड लैपटॉप. वेल, आई अंडरस्टैंड कि लैपटॉप या फोन्स या गाड़ियाँ, घर, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर शायद हर एक का नॉलेज उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना नॉलेज मेरे साथ थोड़ा शेयर करें तो मेरी हेल्प हो जाएगी और इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी. आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़. वेल गाइज, ये था आपका अगला फ्रेज़ और इसी तरीके से हम आते हैं अपने अगले फ्रेज़ पे. आई वॉज होपिंग.
बहुत अच्छा फ्रेज़ है. आई वॉज़ होपिंग यानी मैं उम्मीद कर रही थी. मैं क्या उम्मीद कर रही थी देखते हैं. मैं उम्मीद कर रही थी शायद कि आप मेरे साथ बाइट विथ मी यानी चबाना नहीं, बाइट विथ मी यानी क्या आप मेरे साथ कुछ खाना खाना पसंद करोगे. आई वॉज होपिंग ये आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, आई वॉज होपिंग टू आस्क यू. मैं ये उम्मीद कर रही थी कि मैं आपको ये पूछ सकूं, आस्क यू, अगर आपके पास, इफ़ यू हैव फ्यू मिनट्स, अगर आपके पास थोड़ा समय हो, टू हेल्प मी आउट, मुझे हेल्प करने के लिए. आई वॉज होपिंग ये एक फ्रेज़ है. आस्क यू इफ़, ये यहाँ पर दूसरा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, रिक्वेस्ट बनाने के लिए. वेल, नेक्स्ट इज आई वॉज होपिंग इफ़ यू कुड कम शॉपिंग विथ मी. यहाँ पर भी अगर आप नज़र डालें तो आई वॉज होपिंग के साथ साथ इफ़ यू कुड, मैं ये उम्मीद कर रही थी अगर आप ये कर सकते हैं तो, क्या कर सकते हैं, कम शॉपिंग विथ मी, मेरी हेल्प कर सकते हैं शॉपिंग के लिए. तो ये था आई वॉज होपिंग, मैं उम्मीद कर रही थी. कुड यू, कुड यू, वेल कुड यू यानी एक ऐसा तरीका है रिक्वेस्ट पूछने का जहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या आप. अंडरस्टैंड कीजिए कि आप सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या वो अपनी मदद, आपकी मदद करना चाहता है या नहीं, और इसी से एक पोलाइटनेस आप दर्शा रहे हैं. देखते हैं पहला एग्जांपल. कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा ऊंचा बात कर सकते हैं, थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. ओके श्योर आई विल, राइट, और इस तरीके से वो लाउडली बात करेगा. नाउ नेक्स्ट इज कुड यू प्लीज ड्राइव अ बिट स्लोली. कुड यू स्पीक, कुड यू प्लीज, हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप इस फ्रेज के बाद भी क्वेश्चन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट कंटिन्यू कर सके. स्पीक, प्लीज, ड्राइव, ये फ्रेजेस का कंटिन्यूएशन है. कुड यू ड्राइव अ बिट स्लोली, क्या आप कार थोड़ी धीरे चला सकते हैं. कुड यू प्लीज स्टॉप हियर, आई नीड टू यूज द ATM. कुड यू के आगे प्लीज इस्तेमाल करना भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की साइन होती है. स्टॉप हियर, क्या आप यहाँ रुक सकते हैं, मुझे ATM यूज करना है. कुड यू लोअर द साउंड प्लीज. कुड यू के आगे यहाँ पे लगा है लोअर, यानी आप ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हैं, मुझे कानों में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ. अगला फ्रेज है वुड यू. फ्रेज यानी रिक्वेस्ट की शुरुआत वुड यू से होगी. देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स. वुड यू प्लीज ब्रिंग अस सम वाटर. वुड यू यानी क्या आप, क्या ये पॉसिबल है, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप हमारी इस तरीके से हेल्प करेंगे. यहाँ पर क्या है, क्या आप हमारे लिए कुछ थोड़ा पानी ले जा सकते हैं. वुड यू वेक मी अप एट 5 AM टमोरो. आपका जल्दी प्रोजेक्ट है, आपको जल्दी काम पे निकलना है और आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा इंसान है या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कोई ऐसा खास इंसान है जो जल्दी उठता हो और जो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि वो शायद आपको उठाए नहीं और आप शायद लेट हो जाओ. आपको क्या यूज़ करना चाहिए, वुड यू, पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यू वेक मी अप एट 5 AM टमोरो. वुड यू प्लीज वेयर योर मास्क प्रॉपरली. वेल आई नो कि ये रूल है, लेकिन काफ़ी बार ये रूल भी काफ़ी लोगों को रूड लगने लगता है, करेक्ट. तो आपको क्या करना चाहिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज़ अपना मास्क ऊपर ले लीजिए ताकि यहाँ पे सेफ्टी मेंटेन हो, राइट. ये फ्रेज था वुड यू, कुड यू, वुड यू, कुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, क्या आप करना चाहेंगे हमारे लिए ये काम. और राइट गाइज, अगला फ्रेज है वुड यू माइंड. वुड यू माइंड का मतलब होता है आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा,
Example, would you mind if I switch on the AC? आप ये किसी को पूछ रहे हैं और एक तरीके से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे एसी ऑन करना है, लेकिन आपको अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं ये करना चाहूँगी. वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स सामने वाले का आंसर, अगर आप इतने पोलाइटली पूछ रहे हैं, तो हाँ ही आएगा. वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ योर सेल फोन? अगेन, अगर आपको एतराज़ नहीं है तो क्या आप अपना फ़ोन बंद रख सकते हैं? Would you mind if I use this chair? काफ़ी बार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में एक चेयर की कमी पड़ती है एक ग्रुप में, और आप किसी और की चेयर यूज़ करना चाहते हैं. आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपकी चेयर ऐसे घसीट के ले जाऊँ तो? नहीं ना, आप हमेशा मुझे पूछोगे, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको मना कर दूँ. पॉसिबल है. मैं आपको, अगर आप मुझे इस तरीके से पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगी. वुड यू माइंड, अगर आपको एतराज़ नहीं है तो ये थे कुछ फ्रेजेस आपके लिए जिसकी मदद से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नॉट जस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपकी रिक्वेस्ट आप मनवा सकते हो किसी को भी. ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही. दिस इज़ मी मीरा साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.